हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ फार्म टाउन का पार्ट 4। फार्म की पिछली वीडियो के अंदर आपने भाई देखा होगा कि भाई अपने फार्म में चोर घुस आया था और भाई साहब कई सारी चीजें ऊपर उसकी नजर थी, बट मैंने कैसे भी करके उसको भगा दिया भाई। मतलब मैंने हार नहीं मानी, अगर मैं हार मानूंगा भाई पूरा फार्म मेरा लूट के चला जाता। मैं ऐसा कैसे होने देता हूँ भाई, मेरा खुद का फार्म नहीं है, मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। तो मेरे को थोड़ा डर लगा, बट मैंने यार कैसे भी करके उसको वापस निकाल दिया। और आज के इस पार्ट 4 के अंदर क्या क्या होने वाला है वो तो भाई मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। और आप भी वीडियो एंड तक देखते रहो, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गो फटाफट से हमको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर और भाई साहब यहाँ पर हमने देखो कितनी तरक्की कर ली है भाई साहब। यहाँ पर मैंने 3 स्टॉल खोल लिए यहाँ पर, और यहाँ पर होने वाला है हमारा गोल्ड स्मिथ। मतलब यहाँ पर मैं चेन वेन सब सोने का हार वार बना सकता हूँ भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके अंदर मैं क्या बना सकता हूँ, सुगर ब्राउजर और कई तरह की दो चीजें हैं, दो आइटम है। और इसके अंदर वाओ, इसका नाम क्या है भाई साहब, क्रीम बना सकता हूँ और स्ट्रॉबेरी योगर्ट, ओके चीज वाओ यार। और इसके अंदर मेरे को काफी सारी चीजें बनाने का मजा भी आने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए इस गेम के अंदर पार्ट 4 के अंदर। और भाई साहब मोर ने अपना काम कर दिया, मेरे को पंख तो लेनी पड़ेगी फटाफट से यार, इनको खाना भी खिलाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा भूखे हैं। और कई दिनों के बाद मैं यार फार्म टाउन की वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलो यार फटाफट से, मैंने यहाँ पर भेड़ भी रख लिया, आपको बताया मैंने चुपके से पीछे काम कर लिया मेरे को खुद को। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बट आपके सामने करना चाहिए था। और भाई साहब इनको देखो, भाई साहब सुस्की इतनी सी हो गई भाई साहब, इनके मतलब बाल उतर गए ना इसलिए बहुत अजीब सी लग रही है। बट कोई नहीं, इनको खाना खिलाते हैं फटाफट। और भाई साहब जान में जान आएगी इनकी, और वापस से बाल भी आ गए। अरे वाह ये काफ़ी अच्छा है, ओके। ओ मुर्गियाँ मेरे को काफ़ी क्यूट लगती है यार, मैं क्या ही बताऊँ। और ये मुर्गा ऊपर कुकड़ उकड़ करते रहता है, और इसको खाना वाना तो खाना है नहीं भाई, मैं क्या ही करूँ ये फालतू में। चलो इन गायों के पास से मैं लेने वाला हूँ, वेट इनके पास से मैंने दूध कब लिया यार, मैं भूल गया। ये मेरे को झांसा तो नहीं दिया ना भाई, दूध उठ गया यार, मजाक करते ना, मेरे को दूध की जरूरत है। और मेरे को चीज़ वीज अभी नई फैक्ट्री भी खोल ली हमने, तो मेरे को दूध बहुत ज़्यादा चाहिए भाई। ओ मेरी यार बहुत प्यारी सी बी यार, मेरे को पसंद है यार, मैं क्या ही करूँ। और इनको फटाफट से खाना खिलाओ भाई, मेरी फेवरेट बीज है भाई, सब पूरे फार्म के अंदर मेरे सबसे फेवरेट जानवर जो मतलब चीज़ है ना मेरी ये बीज है भाई। ओके यहाँ पर मैंने सब कुछ काम तो कर लिया, सब जानवरों को खाना वाना सब खिला दे, कन्फर्म हो चुका है अभी पूरा फार्म। अभी मेरे को यहाँ पर ध्यान देना है फैक्ट्री वैक्ट्री में। और यहाँ पर केक भी बन के तैयार, और यहाँ पर मैंने फैन वैन बनाए थे वो सब बन चुके हैं भाई। वाह क्या ही मस्त लग रहे यार, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास खाना तो फूल है भाई। वेट मैं पीगी नहीं ले गया भाई, मैं भूल गया। चलो यार यहाँ पर थोड़ी सी जगह भी कम है तो बिगी को अभी रहने देते हैं। तो और मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ, यहाँ पर कस्टमर आ चुके हैं। और कस्टमर ओ भाई साहब ये तो बबलू है भाई, ये लड़की है या लड़का है भाई, मेरे को लड़की लग रही है, बट चलो यार कोई नहीं। और इसको क्या चाहिए, वेट डायमंड ब्रेकलेस, ओ नो मेरे पास एक ही है यार, मेरे को बनाना पड़ेगा। बट मैंने बनाने के लिए रखा तो नहीं था, मैं क्या करूँ यार मैं फंस गया, चलो फटाफट से बनाना पड़ेगा। बट इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, डायमंड तो मेरे पास है ऑलरेडी 4 रखा हुआ है और एक ज़्यादा ही है। और मेरे को गोल्ड ओ सिल्वर इंगोट चाहिए भाई, सिल्वर इंगोट तो मेरे पास ही नहीं, मेरे को यहाँ पर काम धंधा चालू करना पड़ेगा क्योंकि इधर से ही मिलेगा मेरे को। यहाँ पर गोल्ड तो मिल चुका है, चलो यार अच्छा खासा। और यहाँ पर वापस से काम स्टार्ट करना पड़ेगा फटाफट से, और मेरे पास बॉम्ब तो रहता ही नहीं भाई, मैं क्या करूँ, मैं बॉम्ब मेरे को कहाँ से मिलेगा मेरे को नहीं पता। बट जल्दी जल्दी यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब यहाँ पर मेरे को ये सिल्वर नेकलेस बनाने के लिए इंगोट चाहिए, और इंगोट मेरे को कब मिलेगा मेरे को नहीं पता, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा। तब तक के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायमंड खर्चा करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा कम है और डायमंड थोड़े अच्छे खासे हैं, तो मैं चलो यहाँ पर थोड़े से वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर मेरे को कुछ गिफ्ट मिल रहा है भाई, वेट ये मेरे को क्या गिफ्ट दे रही है, हाँ यार 45 रुपीज़, चलो यार कोई नहीं, अच्छी बात है मिले तो सही यार, कुछ तो मिला। ओ वेट ये क्या है, नाइट हैट, ओ भाई साहब नाइट हैट मेरे को बनानी पड़ेगी, बट इसके लिए मेरे को मेड बाय नाइटिंग टेबल, अरे वाह ये कितने का भाई देखना पड़ेगा, वेट ओ 1800 रुपये काफ़ी महंगा है, ये सबसे महंगी चीज़ लगी मेरे को सच्ची में बता रहा हूँ। बाकी मैंने जो भी फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी छोटे छोटे स्टॉल लिए ना वो 100-200 तक ही थे, बट ये काफ़ी महंगा है, तो मैं सोच समझ कर ही ये लूँगा, अभी लूँ या नहीं लूँ मेरे को अभी यार नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी दुकानें हो चुकी है। तो इनको पहले इनमें कमा लेते हैं, अच्छा खासा कमा के फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँगा। और इसके अंदर मेरे को बनाना है शुगर, और शुगर के लिए मेरे को चाहिए ये क्या भाई, शुगर प्रोसेसर, ओके इसलिए कुछ अजीब सा मैंने पहले देखा या नहीं देखा मेरे को नहीं पता, बट चलो यार मैंने इतना सुना है शुगर बनता है शुगर कैनी से, तो चलो यहाँ पर ये तो बन के तैयार होगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर ये भी बनने के लिए रख देता हूँ, और मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ भाई साहब, गले में हिचकिचाहट मेरे को खानी पड़ेगी एक विक्स की गोली, क्योंकि भाई विक्स की गोली खाते ही हिचकिचाहट दूर हो जाती है, मैंने सुना है बट ट्राई तो नहीं किया है। ओके यहाँ पर मेरे को कुछ मिल रहा है भाई, चलो इनको क्लेम करो। ओ भाई साहब मेरे को डायमंड भी मिल गए, जो मैंने इन्वेस्ट किए थे डायमंड वो मेरे को उससे ज़्यादा यहाँ पर मिल गया भाई, वाह। और मेरे को कुछ स्टार्स भी मिले हैं,
जिससे मेरे लेवल कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर वेट, यहाँ पर भी सेल्स में मेरे को पैसे मिल रहे और अच्छे खासे हमारा धंधा काम धंधा चल रहा है। और यहाँ पर मेरे को बनाने के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास दूध बहुत ज़्यादा है भाई। वाह, दूध की तो कमी नहीं है मेरे पास, तो मैं सब चीज़ें बना सकता हूँ। बट इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉबेरी हमारे पास, पेड़ चेरी का पेड़। ओ, ये पेड़ तो सूख के कांटा हो गया भाई, मैंने इसको पानी नहीं डाला, और पानी नहीं डालूंगा तो भाई यहाँ पर पेड़ पूरा सूख के मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो मेरे को फटाफट से यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर वापिस से तैयार हो चुका है। यहाँ पर कॉफ़ी ट्री, ये कॉफ़ी का ट्री है भाई, और ये चेरी का है, तो मेरे को स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये चीज़ें बनानी, तो भाई ये चीज़ें बनाने के लिए मेरे को स्ट्रॉबेरी चाहिए। चलो यार, ओके, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का पेड़। अरे वेट यार, मेरे को स्ट्रॉबेरी का पेड़ कहाँ पर मिलेगा? वेट, ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ यहाँ पर है, तो ये कितने रुपए का? 25 रुपये। चलो यार, काफ़ी सस्ता है, तो अपने लिए अपना खर्चा निकल जाएगा इस पर। ओके, फटाफट से यहाँ पर इसको ट्री को लगाते हैं। और भाई साहब, इनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब कब जाके मुरझा जाते हैं, मतलब इनसे फल तोड़ते ही भाई ये मुरझा जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही है इस गेम के अंदर। तो मेरे को फटाफट से इनका ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पानी वानी टाइम पर पिलाना पड़ेगा, तब जाके ये मतलब रहेंगे, और वरना तो यार टाटे फीस अपनी। और यहाँ पर मेरे को क्या क्या बनाया, क्रीम बना लेता हूँ यार। क्रीम के लिए मेरे को सिर्फ मिल्क ही चाहिए, और ये बटर, वाह बटर भी बनाते हैं। चलो ये दो चीज़ें अभी के लिए बहुत है, और मेरे को यार कस्टमर भी देखने, बट यार मैं क्या करूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं नहीं। नेकलेस बनने के लिए तैयार हो रहा है, और इस अंकल को चाहिए कैप, और कैप बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए मेरे को देखना पड़ेगा। वेट यार, अरे यार मैंने यार इसके ऊपर अभी तो बात ही, मैं भूल गया वापस से। और यहाँ पर मेरे को बनने के लिए रखना पड़ेगा, क्या क्या रखूँ क्या रखूँ, ये क्या है भाई? ओके, ये इसके लिए मेरे को चाहिए। ओहो भाई साहब, इसके लिए मेरे को एक पेड़ लगाना ही पड़ेगा भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, ब्लूबेरी का भी एक पेड़ लगा देते हैं। ये काफ़ी महंगा है भाई। चलो यार, थोड़ा तो खर्चा देखना पड़ेगा, तो इसको पहले मैं यहाँ पर सेट करता हूँ आराम से, फिर यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा। पेड़ों की जगह मैं एकदम इकट्ठी करने वाला हूँ, बट यार अभी के लिए ये ठीक है, बट धीरे धीरे मैं जगह खरीदूंगा, प्लॉट खरीदूंगा नए नए, और वहाँ पर एक अलग से पेड़ों का फार्म बनाऊंगा, और वो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई, मतलब दिक्कत नहीं होगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इधर है उधर है, ये मतलब देखना नहीं पड़ेगा। और अभी मेरे को क्या करना है। चलो यार, ये स्टोर ले लेता हूँ, मतलब ये जो भी है कपड़े बनाने वाली और कैप बनाने वाली है, जो भी चीज़ मैं ले ही लेता, बाद में भी लेनी पड़ेगी, तो यार अभी से मैं ले लेता हूँ और इस अंकल को दे देता हूँ भाई। और इसको बनने के लिए टाइम भी लग सकता है, तो मेरे को थोड़ा सा वेट कराना पड़ेगा अंकल को। ओ वेट, मेरे को मशीन खरीदनी है भाई इसकी। वेट अंकल जी, इधर आओ भाई। और इसके लिए मेरे को ये वाली मशीन चाहिए, और नाइट टेबल कितने रुपये का? 1800 रुपये। और यहाँ पर बात हो चुकी है भाई, ये स्वेटर के लिए, मतलब मैं समझ गया। और पहले इसको खरीदो, और वेट, ये क्या, मैं इसको खरीद नहीं सकता भाई। अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये कुछ गड़बड़ वाला सीन है, या कहाँ पर गई भाई? मेरे को खरीदनी है उसको, खरीदनी है भाई, मैं लेके छोड़ूंगा। चलो यहाँ पर इसको सेट करते हैं। इसकी जगह मेरे को कहाँ लगानी चाहिए? वेट, ये कहाँ पर ठीक रहेगी? कपड़े वाली दुकान इधर, तो भाई मेरे को ये सेट करनी पड़ेगी इसके पास, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा भाई। वेट, तब तक के लिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और ये मतलब बनने के लिए ये दुकान खुलेगी, और फिर इसके अंदर मैं कैप बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले, मतलब हेड बनाऊंगा। चलो अभी के लिए मैं इस अंकल को रिफ्यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर अंकल खड़े, तब तक के लिए दूसरा ग्राहक आने वाला है नहीं, मेरे को पता है। और भाई साहब, अभी मेरे को क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बनने के लिए तैयार रख दी है, और यहाँ पर भी चलो ये नेकलेस बन रहा है, और कुछ और बनाने के लिए रख दो भाई, एक जगह खाली है वैसे भी। वेट, इसके लिए मेरे को चाहिए गोल्ड, और गोल्ड तो मेरे पास है ना भाई, बट इंगोट नहीं मेरे पास। गोल्ड तो है, इंगोट की मशीन अलग आएगी। अरे यार, इसके अंदर बहुत ज्यादा झमेला है, बट करना तो पड़ेगा भाई। भाई आने वाले दिनों में अपना फार्म बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, और 3-4 पार्ट के अंदर देखा जाए तो मैंने काफी अच्छा काम कर लिया, काफी सारी दुकानें खोली है, मतलब अलग अलग से, और काफी ग्राहक भी देख लिए मैंने। और अभी मेरे को क्या करना चाहिए? वेट, इंगोट की मशीन मेरे को रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि भाई इनकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेकलेस बनाने वाला, और नेकलेस की दुकान मैंने खोल ली है, तो भाई साथ ही साथ मेरे को इंगोट की भी दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर मेरे को इंगोट मिलेगा नहीं। अगर इंगोट नहीं मिला तो भाई साहब यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मेरे को करना पड़ेगा। और इंगोट के लिए मेरे को कौन सी दुकान चाहिए? वेट यार, इसका नाम क्या है? मेड बाय स्मेल्टर। ओके, इसको पहले शो करो। और ओ, तो काफ़ी सस्ती है भाई, मैं बहुत ज़्यादा महंगी समझ रहा था, बट ऐसी बात नहीं है। चलो यार, इसको भी मैंने खरीद लिया, और मेरे पास काफ़ी दुकानें हो चुकी है, काफ़ी माल वाल बनने के लिए तैयार हो रहा है। और मेरे को, ओ वेट, ये अंकल क्या मांग रहे हैं भाई? नींबू। वेट,
पिछली वीडियो के अंदर भी ये बुड्ढा आया था और पहले नींबू मांग रहा था, फिर बिस्किट मांग रहा था, फिर यार इसने डायरेक्ट गोल्डन चेन मांग ली थी। मेरे को इस पर शक हो रहा है भाई, फिर से चोरी करने बोले भाई, बार बार चोरी करने क्यों आ रहा है भाई? मेरा पा भी दिखता है इसको यार, इतनी बड़ी दुनिया है। इधर आपको दुनिया दिखा दो, ये वाली देखो यार काफी अच्छी है, मतलब इधर घर वर इतने अच्छे अच्छे बने हुए, मैं क्या ही बताऊँ। और ये ले दे के मेरे फार्म के अंदर ही टप्पा पाता है भाई, मैं क्या करूँ अभी? इसको चाहिए क्या? इसको नींबू चाहिए? मेरे नींबू, मेरे पास नींबू तो है ही नहीं भाई, नींबू का पेड़ लगाना पड़ेगा तब जाके यार। चलो यार इसके ऊपर मैं थोड़े से 3 डायमंड खर्चा करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को सेल में मिले बहुत सारे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से जाओ, ये मैकेनिक है भाई, इसके हाथ में रेंज है, तो मेरे को मैकेनिक लग रहा है और हो भी सकता है। और यहाँ पर मेरे को पैसे वापस से मिल चुके हैं और घर की थोड़ी सी हालत सुधार ले भाई। यहाँ पर क्या बनना था? वेट, यहाँ पर मैंने क्या उगाया था? गाजर। वाह चलो यार, इनकी भी खेती अच्छी खासी हो गई है। और यहाँ पर मेरे को चेरी मिल गई है, तो इनको भी ले लेते हैं। फटाफट से पानी ढाल के वापस से तैयार करते हैं इस पेड़ को। चलो यार, ये भी सूख के कांटा हो चुका है, मैं क्या ही बताऊँ यार। फल तोड़ते ही भाई साहब इनका मतलब इनमें से जान खत्म हो जाती है यार। अभी मेरे को यहाँ पर खेती किस चीज़ की करनी चाहिए? मेरे पास सब चीज़ें अच्छी खासी ये, अरे भाई साहब राइस की खेती करते हैं ना भाई हम। ओके यहाँ पर राइस की करते हैं। और चलो यार इसका नाम फिर से मैं भूल गया, अरे यार इसका नाम क्यों बोला? पंपकिन यार, पंपकिन का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ? और यहाँ पर वेट, इसका नाम भी मैं जान लेता हूँ, फ्लैक्स। और फ्लैक्स की भी थोड़ी सी खेती कर ही लेते हैं। ओह एक अंकल और आए भाई साहब, चलो यार इनको क्या चाहिए? और इस लेडी को तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, रुक जाओ 2 मिनट। और मेरे को वेट, इस लेडी को 3 चाहिए और मेरे पास ये पूरा हो गया, उसके बाद भी एक ही रहेगा। तो भाई साहब मेरे को एक नेकलेस और बनाना पड़ेगा और मेरे को और डायमंड खर्चा करना पड़ेगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को ये दुकानें खोलनी पड़ेगी फटाफट से। चलो इसके अंदर 5 डायमंड लगेंगे और इसके अंदर 6 डायमंड लगेंगे, इनको दोनों को ओपनिंग करो इन दोनों की और अपना काम कम्प्लीट। और यहाँ पर वेट, मैंने केक तो ले लिया था, वापस बनने के लिए रखा नहीं है भाई, तो मेरे को रखना पड़ेगा फटाफट से और ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं पहले बनाऊंगा ये वाला केक, इसके लिए भी स्ट्रॉबेरी चाहिए। अरे भाई साहब स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा काम में आ रही है भाई, मैं क्या ही करूँ। चलो यार चेरी वाला केक बनाते एक। और ये क्या है? ये डोनट, ये चलो इसके लिए मेरे को चाहिए, इसका नाम क्या है भाई? मेड बाई जेम फैक्ट्री। ओह जेम फैक्ट्री, इसके लिए अलग से चाहिए। ओके यार सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुर्गियाँ अंडे देने के लिए तैयार और बीज भी शहद देने के लिए तैयार। हाँ चलो यार कोई बात नहीं, अभी मेरे को 2 नेकलेस बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब तक के लिए इस अंकल को क्या चाहिए? सिर्फ एप्पल चाहिए यार, ये एप्पल बहुत ज़्यादा मतलब ये फ्रूट वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं क्या ही करूँ यार, मेरे को बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे और तभी जाके ये ग्राहक में देख पाऊंगा। और अभी ग्राहक देखने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि भाई ये थोड़ा थोड़ा मेरे को यार समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं करूँ तो करूँगा, मेरे पास पैसे भी इतने हैं जिसमें मैं पूरे पेड़ वेड़ सब खरीद सकूँ, बट एक बार मैं सब कुछ नहीं ले सकता, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा भाई और ग्राहक भी नाराज़ होंगे, बट मैं क्या करूँ यार, मेरी मजबूरी है। और मैंने काफ़ी सारी दुकानें भी खोल दी और यहाँ पर इंगोट बनाने के मेरे को रखना पड़ेगा मेरे पास। चलो सिल्वर इंगोट तो है मेरे पास 4 है, तो इनको पहले रख देता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा काम आ रहे, गोल्डन इतना काम नहीं है जितना सिल्वर इंगोट काम आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को कॉफ़ी बनानी है, अभी मैंने इसकी ओपनिंग नहीं की, बट यार इसे ग्राहक आएंगे तब जाके मैं इसको पूरा खोलूँगा। और यहाँ पर मेरे को बनानी है एक केप और इस लेडी को, ओह वेट मैंने उसको भगा दिया यार। अरे उस अंकल को भगाया क्यों? मेरे पास एक केप था यार, मेरे को नहीं पता मेरे को फ्री मिलेगा, बट मैंने यार उसको ऐसा ही भगा दिया। चलो कोई नहीं, इसके लिए मेरे को वेट, अपने पास स्वेटर के लिए चीज़ है, तो इसको बना ले रेडी करते हैं। और अभी ग्राहक आएगा तो भाई उसको डायरेक्ट पकड़ा देंगे। और यहाँ पर बीज ने मेरे को शहद दे दिया और शहद वेद इतना काम नहीं है, मैं क्या करूँ यार, मेरे को मेरे पास स्ट्रॉक फूल हो जाएगा, अंडे भी मेरे पास वो ढेर सारे हैं, मैं क्या ही करूँ यार। चलो आज का काम कंप्लीट, अभी मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया यहाँ पर और मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं क्या ही करूँ यार, अकड़ गए, मेरे को जाके सोना पड़ेगा। और थोड़ा अगली वीडियो के अंदर, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर भाई साहब थोड़ा घर का भी काम देखेंगे, क्योंकि घर का मैंने काम पहली वीडियो के अंदर पहले पार्ट के अंदर किया था और अभी घर में झाँके देखा नहीं है, तो मेरे को देखना पड़ेगा, झाँका झाँकी करनी पड़ेगी पूरे फार्म के अंदर, मेरे को सेटिंग वेटिंग सब करनी पड़ेगी एक वीडियो के अंदर, तो भाई इसकी सेटिंग करूँगा मैं सिर्फ, और वो वीडियो मैं कब बनाने वाला हूँ तो मेरे को भी नहीं पता, बट आप जुड़े रहे इस सीरीज के साथ। अगर आपको पसंद भाई कमेंट के अंदर जरूर से बताना, और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले, फनी गेम प्ले हमारे चैनल पर आते रहते हैं, वो भी डेली दोस्तों। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक न्यू गेमिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।